हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई क्यू हेयर, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में मैं जिस पाकिस्तान की पर्सनालिटी की बात करने जा रही हूँ वो ड्रामा निगार, अफसाना निगार और कॉलम निगार हैं। लेकिन उनका सबसे नुमाया फीचर है सफ़रनामा। इन सब चीज़ों के साथ साथ 90s की जनरेशन के वो चाचा जी हैं। जी, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ मुस्तनसर हुसैन तारर साहब की। आप 1 मार्च 1939 को लाहौर में पैदा हुए। आपका नाम आपके मामों ने मुस्तनसर हुसैन रखा। आपने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर से ली, फिर आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एफए किया। आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। वहाँ से आपने फिल्म, थिएटर और लिटरेचर को डिफरेंट एंगल से देखा और सीखा। इसके अलावा वहाँ से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की एजुकेशन ली और फिर वापस आ गए। आपको टीन एज से ही सैर तफरी का बहुत शौक था। मास्को, रूस भी जाना हुआ और यूथ फेस्टिवल में आपने अपना पहला सफ़रनामा लिखा। उसके बाद यूरोप चले गए और निकले तेरी तलाश के ज़रिए इस सफ़रनामे को हम तक पहुंचाया। अगला सफ़रनामा अंदलुस में अजनबी था। ऐसा कहा जाता है कि आपके सफ़रनामे कदीम और जदीद सफ़रनामों का फ्यूजन है। 42 ईयर्स में 30 सफ़रनामे शाया हुए, जिसमें से 12 पाकिस्तान के बारे में हैं। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से आपकी मोहब्बत की बिना पर वहाँ पे मौजूद एक झील का नाम आपके नाम पर तारर झील रख दिया। आपके सफ़रनामों में मास्को की सफ़ेद रातें, नांगा पर्वत, केटू कहानी, नेपाल नगरी, कालाश, खाना बदोश, राका पोशी नगर, अलास्का हाईवे और सुनहरी उल्लू का शहर शामिल हैं। नॉवेल्स में आपका पहला नॉवल था प्यार का पहला शहर, जिसको बेस्ट सेलर का खिताब भी मिला। इसके अलावा आपने बहाव और राख जैसे नॉवेल्स लिखे जिनको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली। ड्रामा पुरानी बातें से अपनी एक्टिंग का आगाज़ किया। आधी रात का सूरज ड्रामा लिखा और सबसे पहले मॉर्निंग शो जो पीटीवी से स्टार्ट हुआ उसकी मेज़बानी भी मुस्तनसर साहब ने ही की। और उस वक्त आप बच्चों के चाचा जी के रूप में भी जाहिर हुए। एक्सप्रेस टीवी से सफरे हैसियत और जियो टीवी से शादी ऑनलाइन जैसे प्रोग्राम भी किए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपकी डिवोशन को देखते हुए तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी आपको नवाजा। इसके अलावा 2002 में दोहा कतर में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से भी नवाजा गया। फ्लैशबैक में जाऊं तो मेरे बचपन की हसीन यादों में से वो लम्हात भी मेरे लिए बायसे एजाज और यादगार हैं कि जब मेरी बर्थडे के मौके पर चाचा जी मुस्तनसर हुसैन तारड़ खसूसी तौर पर घर तशरीफ लाए। अदब की दुनिया का एक और मुनफरिद नाम जनाब असगर नदीम सैयद भी उनके साथ मौजूद थे। आपके बेशुमार अकवाल में से मेरा फेवरेट जो है वो है कि मरने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी कब्र पर एक ताजमहल तामीर होता है या वो बारिशों में धंसकर एक गढ़ा बन जाती हैं और उसमें कीड़े मकौड़े रिंगते हैं या उससे टेक लगाकर साई लोग चर्च के सूटे लगाते हैं। बस ये है कि पीछे रह जाने वालों को बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके अंदर मजाह का उनसर भी कमाल है। खुद ही सुनिए कि एक औरत के लिए उससे बढ़कर खुदकशी का जवाब और क्या हो सकता है कि दूसरी औरत ने भी उसी रंग और डिज़ाइन के कपड़े पहने हों। तो चलिए अब चलते हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट की तरफ, जहाँ मैं मुस्तनसर साहब का बना रही हूँ पोर्ट्रेट। जैसा कि आपको पता है कि सीरीज़ अ पोर्ट्रेट यू रिमेम्बर में मैं जो मीडियम यूज़ कर रही हूँ वो है ब्लैक मार्कर कलर। तो आज भी मैं ब्लैक मार्कर कलर के साथ ही शेडोज़ को फॉलो करते करते
पोर्ट्रेट बना रही हूँ मुस्तनसर साहब का। मैंने बिल्कुल सरसरी सी ड्राइंग की है और ड्राइंग में मैंने उन पैचेस को ड्रॉ किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल टू डायमेंशन में रहकर काम कर रही हूँ और पैचेस को जस्ट फिल ही कर रही हूँ, लेकिन उससे भी इनकी ट्रू पर्सनैलिटी आप लोगों तक ज़रूर पहुँच जाएगी। मैंने आई बॉल भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं बनाया, बल्कि मैंने कहीं ना कहीं उसको आईब्रोज के साथ ही मिलते हुए बनाया है। अब दूसरी आईब्रो के साथ भी ऐसा ही कर रही हूँ कि आई और आईब्रो को मैं थिक पैचेस के साथ एक दूसरे के साथ मिलाते हुए बना रही हूँ। और आपको नज़र आ रहा होगा कि नोज़ के नीचे जो पैच है, वो पैच दरअसल नोज़ का शेडो है, क्योंकि मार्कर कलर में हमें करना ही ये होता है कि शेडोज़ को फॉलो करना होता है, शेडोज़ को ड्रॉ करना होता है। जबकि पेंसिल के साथ जब भी हम काम करते हैं तो हमें एक एक फीचर की फॉर्म के साथ खेलना होता है और उसको प्रोमिनेंट करना होता है। और लिप्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही कर रही हूँ कि इररेगुलर लाइंस लगा रही हूँ और लिप्स और दांतों को आपस में सिर्फ एक लाइन के साथ ही जुदा किया है। लेकिन इस तरीके से भी देखें कि कैसे उनके फीचर्स प्रोमिनेंटली बाहर आ रहे हैं। ईयर्स को भी मैंने ज्योमेट्रिकल फॉर्म के साथ ही फिल करना है और इसके शेडो को आप देखेंगे कि राइट साइड पर मैं इस वक्त उसका शेडो बनाते हुए उनको फिल कर रही हूँ और कहीं कहीं बिल्कुल ही ब्लैंक वाइट पेपर छोड़ रही हूँ। अब दूसरी तरफ ईयर को ड्रॉ कर रही हूँ और साथ साथ बालों को भी बनाती जाऊंगी और फिलहाल तो ये शेडो ही बन रहा है। तो देखें, ये शेडो मैं जस्ट लाइंस के साथ ही फिल कर रही हूँ, कोई भी इसमें 3D वाला लुक नहीं आ रहा, लेकिन ये एक कंप्लीट पोर्ट्रेट है। अब देखिए, मैं इसको साथ साथ फिल करती जा रही हूँ। अब दूसरी तरफ मैं ईयर बना रही हूँ जस्ट लाइंस के साथ ही। अब बालों की तरफ आते हैं और बालों को शेड करती जा रही हूँ बालों की डायरेक्शन के हिसाब से ही। तो मैं कहीं कहीं बालों को ड्रॉ कर रही हूँ और कहीं कहीं बिल्कुल वैसे ही छोड़ रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि कुछ डॉट्स भी लगाए हैं मैंने उनकी बालों की फॉर्म के हिसाब से। तो देखें कितना इजीली ही ये बन जाता है, लेकिन जो काम आती है वो होती है छोटी मोटी ट्रिक्स। अब मैं फेस को फाइनल लुक दे रही हूँ और ग्रे कलर के मार्कर के साथ कहीं ब्लैक कलर के मार्कर को मर्ज करते हुए शेड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक कंप्लीट लुक दे रहा है। अब आ गई है बारी शर्ट की और शर्ट को मैं जस्ट लाइंस के थ्रू ही सरसरी सा बना रही हूँ ताकि मेरा असल एम्फेसिस फेस पर पड़े। बारी है अब बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड को भी मैं बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल्स में नहीं बना रही हूँ, जस्ट लाइंस के साथ ही बैकग्राउंड को फिल कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक भी करिएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, देर किस बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।